हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आज हम लोग दूसरा अध्याय जो है कोशिश करेंगे उसको समाप्त कर सके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग ने कल जो चर्चा की थी वो 28 और 29 श्लोक की जो चर्चा हम लोग ने की थी कि निष्कर्ष क्या है, कि हम लोग ने क्या एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए और न, आ, और उसके जो फल है उसके कर्म के, तो फिर वो जो है वो किसको अर्पित करने चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो 27वें श्लोक में यही था कि एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करनी चाहिए भगवान की भक्ति भी करने के लिए, और जो है उसका जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। और 28वें श्लोक में हम लोग ने कहा कि एक ही धर्म होना चाहिए पूरे विश्व में, जो कोई भी हर व्यक्ति जो है उसका पालन कर सके। और वो धर्म क्या है? वो है भागवत धर्म। वो धर्म जो सिखाता है कि आप एक ही भगवान की पूजा आराधना करो और किसी और की नहीं। और 28वें श्लोक में हम लोग ने देखा कि वासुदेव कृष्णा ही जो है वो उचित है आराधना करने योग्य। जो जो धर्म का लक्ष्य है वो क्या है कि भगवान की भक्ति करना। तो अगर हम देखेंगे भगवद गीता में भी देखोगे या भागवत में, भगवद गीता में तो ये लिखा है कि वासुदेव ही सभी वेदों का लक्ष्य है, वासुदेव ही सभी यज्ञों का जो है वो लक्ष्य है, या वासुदेव ही सारे योगाओं का लक्ष्य है, सारे ज्ञानों का भी लक्ष्य है। क्योंकि अगर सारे वेदाओं का लक्ष्य है तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि सर्वशरामृति संविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेदो वेदांत कृतविद एव च। और सभी यज्ञों का जो है मैं ही भोक्ता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो सभी यज्ञों का भी जो है भोक्ता राम कौन है? मैं हूँ। और फिर भगवान जो है वो तीसरे अध्याय में भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी को कर्म यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं कि अगर कोई कर्म कर रहा है या काम कर रहा है तो सिर्फ किसके लिए उसको करना चाहिए? विष्णु के लिए करना चाहिए।
वरना अगर वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अगर ये कर्म कर रहा है तो ये जो कर्म है उसको बंधन का कारण बन सकता है। इसलिए तुम अपना कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि तुम अपना नियमित कर्म करो, और इस तरह से जो है अनियमित कर्म किसकी संतुष्टि के लिए करो, नियमित कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करो, और इस तरह से तुम हमेशा कर्म बंधनों से मुक्त रहोगे। और फिर कहते हैं कि वासुदेव ही जो है सभी योगाओं का भी जो है वो चरम लक्ष्य है। तो अगर हम देखेंगे छठे अध्याय के कौन सा वाला श्लोक है वो 40वें श्लोक में, तो उसमें कहते हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं उस श्लोक में कि पार्थनेव नामुत्र विनाशातस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तथा गच्छति। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हे कुंती के पुत्र, जितने भी ऋषि मुनि हैं जो सारे शुभ कार्यों में जो है लगे रहे हैं, तो फिर जब इस सृष्टि का जब संहार होगा तो ये जो है ये सृष्टि के संहार के वक्त जो है इनका कभी विनाश नहीं होगा। ये जो है इनके पे कभी कोई आंधी नहीं आएगी या कोई उनपे कोई आंच नहीं आएगी। तो इसलिए जो भगवान कह रहे, इवन इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो कोई भी कौन सा श्लोक है वो, छठे अध्याय का 15वां श्लोक है, तो जो कोई भी निरंतर रूप से जो है मन बुद्धि और अपने शरीर से ये सारे जितने भी कर्म कर रहे हैं और अपने मन को जो है नियंत्रित रख रहा है, तो वो तुरंत ही इस भौतिक स्तर से वो ऊंचा उठ सकता है। और फिर भगवान जो है कह रहे हैं कि सभी ज्ञानों का भी लक्ष्य, जितने भी ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों का भी लक्ष्य कौन है, वो मैं ही हूं अर्जुन। तो अगर अगर देखोगे कि ज्ञान जो है वो भगवान से ही आ रहा है, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ना कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना चाहिए। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि अगर आप वेद पढ़ रहे हो तो वेदों के माध्यम से आप क्या जानोगे, वेदों के माध्यम से मुझे ही जानोगे। तो कहते हैं कि जो लक्ष्य है भगवान का, अगर 13वां अध्याय 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान यही बता रहे हैं कि वासुदेव ही ये ज्ञान के माध्यम से मुझे जान सकते हैं। और कहते हैं कि जितनी भी तपस्या है तपस्या के माध्यम से मुझे ही जाना जा सकता है। और 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति तपस्या सतोगुण में करता है, आत्मसंभवित स्तब्ध धन मान मदामृत यज्ञते नाम यज्ञस्ते दम्भो भेना विधि पूर्वकम्। तो कहते हैं कि अगर कोई बिल्कुल भी जो है दम्भ के बिना या जो है अगर दम्भ के साथ करता है तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन बिना दम्भ के, और अगर कोई भी यज्ञ करता है और नीति नियमों का पालन करता है, तो ये जो यज्ञ है ये जो तपस्या है ये सतोगुणी है। सतोगुणी देखो, तपस्या भी सतोगुणी तमोगुणी और रजोगुणी होती है, लेकिन भगवान खास करके जो है सतोगुणी जो है तपस्या के बारे में बताते हैं कि अमानित्म संभवित, कि जो कोई भी जो है बिल्कुल बोलते हैं ना कि आलसी ना बन के, और हमेशा जो है वे बिल्कुल ही एक्टिव रह के, और धन और प्रतिष्ठा की लाभ न करते हुए अगर कोई, और बहुत ही बिल्कुल मन और बुद्धि से बिल्कुल मग्न होकर अगर कोई मेरी आराधना करता है या कोई मेरा यज्ञ करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है और सारे नीति नियमों को फॉलो करके, तो ये जो तपस्या है ये तपस्या जो है ये सतोगुण में आती है। इसलिए जो है
यज्ञ कहो या योगा कहो या ज्ञान कहो या तपस्या कहो, इन सब का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है हमारी जितनी भी जो ऊर्जा है उसकी जो है उसकी क्वालिटी चेंज करें। जो भी बाहर की ऊर्जा हम पर प्रभावित है उसको चेंज करें। तो बाहर की ऊर्जा ज्यादा करके तो क्या भौतिक है, लेकिन अगर हम अंदर से ही अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हम लोग अच्छी तरह से बोलते ना प्रैक्टिस करेंगे या बोलते ना अभ्यास करेंगे, तो फिर जो है हम निरंतर भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे। और तो कहते हैं कि हमेशा भगवान की भक्ति कर, अगर कोई भी भगवान की भक्ति करके भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है, तो वो जो व्यक्ति है वो हमेशा दैवी शक्ति के अंडर में रहेगा, वरना वो क्या है, माया की शक्ति के अंडर में रहेगा। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति आपको भगवान की ओर लेके जाती है, बहिरंगा शक्ति आपको भगवान से और दूर रहती है। तो भगवान भी 9वें अध्याय में कहते हैं ना कि महात्मा नास्तु माम पार्थ देवम प्रकृतम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतानिम अव्ययम्। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो ऋषि मुनि है, जो मेरी बोलते हैं ना कि दिव्य शक्ति के अंडर में काम करते हैं और वो मेरी दिव्य भक्ति करते हैं, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं परम भगवान हूँ और मैं ओरिजिनल हूँ और मेरा कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तों को मैं क्या प्रदान करती हूँ, मैं देवी देवीम आश्रित है, वो लोग भगवान की देवी शक्ति के आश्रित है, तो भगवान उनको पूर्णतया सुरक्षता प्रदान करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, अभी अभी तो हमारा यही चल रहा है, क्या कहते हैं कि 28वें श्लोक पे मैं एक्चुअली व्याख्या दे रही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है हमेशा जो है भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति के सामने वो जो क्या है, वो दिव्य है। जैसे उदाहरण के अर्थ में जो कल हम लोग ने देखा, राजा और मैनेजर और जो कैदी है, तो फिर वो लोग सब लोग जो क्या है वो कानून के, जेल के कानून के नीचे आ जाते हैं, लेकिन भगवान जो है भगवान किसी के अंडर में नहीं आते। इसलिए ये वाला जो 28वां वाला श्लोक है, इससे हमें एक्चुअली सीख क्या मिलती है, हमको सीख यही मिलती है कि किसी ने अपने आप को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए कि हम कर्म कांड की तरफ बढ़े या दार्शनिक विचलन हो जाए और या कुछ मनोधारणा से हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करें। लेकिन हर कोई अगर भगवान की प्रेममयी सेवा में अगर जुड़ा रह जाएगा और देवी देवताओं की पूजा न करते, उनको रिस्पेक्ट करते, सिर्फ भगवान की जो है पूरा पूजा आराधना करेंगे, तब ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाने योग्य है। तो अब जो है 30वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी अब चौथे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, और सुखदेव गोस्वामी अब समझाने वाले, बताने वाले, वर्णन करने वाले हैं कि वासुदेव जो है, जो सभी सभी जो ऋषि मुनि है या परम हंस है उनके लक्ष्य है, तो ये जो वासुदेव का ये जो फीचर है, तो ये वासुदेव का क्या, उनका फीचर, वो क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, तो वो इस भौतिक जगत की रचना करते हैं, यही वासुदेव। तो भगवान जो है वो शुरू करते हैं कारणो दक्षाय विष्णु, क्योंकि यही कारणो दक्षाय विष्णु जो है ये कारण सागर में लेटे हुए हैं और जितनी भी इनकी शक्तियां है ये सारी जो है वो भौतिक प्रकृति को प्रदान कर देते हैं, लेकिन वो जो है वो विलग रहते हैं, वो जो है वो दिव्य रहते हैं और वो आध्यात्मिक रहते हैं। ये श्री शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में बताया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं 30वां श्लोक, सॉरी थोड़ा जरा लॉन्ग रिकैप हो गया, लेकिन आई थिंक इट वाज नेसेसरी। सैवेदं ससर्जग्रे भगवान् आत्ममायया सत असत रूपाय च असो गुणमय अगुण विभुः। पढ़िए जरा। अच्छा मेरा ही हाथ ऊपर है, तो क्या मैं ही पढूं?
मोहित वर्मा प्रभु अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है प्रभु जी। हरीक्षा माता जी आवाज आ रही है मेरी हाँ हाँ प्रभु जी आ रही है आ रही है। जी। इस भौतिक सृष्टि के परम में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपने ही अतरंगा शक्ति से कुछ आ गया जी। अतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, अथवा वह भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मतलब आगे पढ़ना। हाँ जी, जी मायावाद विचारधारा के प्रधान श्री पाशंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो अभी ये बहुत ही स्पष्ट है कि भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने किया है अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण जो है तथा ये कार्य शक्तियां उत्पन्न की हुई है। जितनी भी कार्य शक्तियां हैं ये भगवान से ही उत्पन्न हुई है। ये अगला वाला श्लोक देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि गर्भोदक्षय विष्णु और ये जो कर्णोदक्षय विष्णु इनके बारे में कहा गया है। तथा विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवादिनो अंत प्रविष्ट अभाव अभावि अभाति विज्ञानेन विजृंभितः। ललिता कुंड माता जी प्लीज पढ़िए। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी हरे कृष्णा। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान भगवान वासुदेव अपना बिना विस्तार। एक सेकेंड ना, एक मिनट, जस्ट एक सेकेंड। मैंने व्हाइट बोर्ड पे तो राइट्स दिए ही नहीं है किसी को, तो क्यों व्हाइट बोर्ड आ रहा है यहाँ पे? होस्ट ओनली। सॉरी माता जी। पढ़िए अब। जी हरे कृष्ण। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश है, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियों को देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखया समान वृक्षा परिष्वजाते तयोरन्यनो पिप्पल स्वादत्यन्न क्षत्रन्यो भी चा कशिति। मुंडक उपनिषद 3.1.1। थैंक यू माता जी।
तो अभी गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु की भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं इस सृष्टि में, और जीवात्माओं के शरीर में भी प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये जो परमात्मा के रूप में जो एंट्री लेते हैं वो क्षीरोदक्षय विष्णु है, और गर्भोदक्षय विष्णु जब इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सृष्टि का बनाने का कार्य करते हैं। और जो है भगवान फिर भी जो है हर चीज से विलग है, वहां वो अटैच नहीं है और उनको इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो भगवान है परमात्मा के रूप में सभी जीवात्मा में क्या है, वो व्यापित है। आइए देखते हैं। यथा ही अवहित वही दारुषु एक योनिषु नाना इवं भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। प्रिया तुलसियानी माता जी प्लीज पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी माता जी, हरे कृष्णा। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपनी किसी एक पूर्णांश के साथ से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रति पदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद्य श्रवण तथा कीर्तन के समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य के प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगला वाला श्लोक लेते हैं। तो आगे कहते हैं कि यही जो परमात्मा है ये सभी जो है जीवात्माओं के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनको मदद करते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, और जो ये बंधे हुए 3 गुणों में, और किसके माध्यम से बंधे हुए हैं, सूक्ष्म मन के माध्यम से बंधे हुए। 1 सेकेंड। एक मिनट है, 1 मिनट। तो आगे यही कह रहे हैं कि असौ गुणमयी भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी स्वनिर्मितेषु निवृष्टा भुंकते भूतेषु तद्गुणान। अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़िएगा। ईश्वरी कमला माता जी प्लीज पढ़िए, आपका हाथ कब से ऊपर है, पढ़िए माता जी।
ईश्वरी कमला माता जी, शी इज लव लव ऑन यू वॉट माता जी, पढ़िए। हाँ, हरि बोल माता जी, पुण्य सॉरी, हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्म से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न भगवद गीता में अभिन्न है। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीर धारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक पे हम लोग आ रहे हैं। तो इस श्लोक में, जो अगला श्लोक है, 34वां श्लोक है, उसमें भगवान ये बताते हैं कि जो तीसरा प्रश्न जो मुनियों ने पूछा था, राइट, कि भगवान जो है कैसे इस सृष्टि की बोलते ना पालन करते हैं और कैसे अपनी लीलाएं जो है वो प्रकट करते हैं या लीलाएं करते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शुद्ध सत्व तक पहुंच सकता है। तो भावयति येष सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीलावतारानुर तो देव सॉरी देव तिर्यक नर आदिशु। नेहा माता जी, आपने हाथ ऊपर किया था ना? नेहा सिंह माता जी, अरे लॉग ऑफ हो गई क्या? ओके, अर्चना श्रॉफ माता जी, पढ़िए जरा। हरे माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न है हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव व प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या इस पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या इस पुत्र भगवान
भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार मद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो भगवान का मुख्य लक्ष्य क्या है कि यहाँ पे जब भगवान अवतरित होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य है कि जीवों को आकर्षित करे कहाँ, भगवत धाम की तरफ, क्योंकि हमारा जो आखिरी गंतव्य है वो वही है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील श्रीधर स्वामी महाराज वो कहते हैं कि भगवान का एक विशेष उद्देश्य होता है जब वो अवतरित होते हैं। और कुंती महारानी के कौन से श्लोक में है, एक सेकेंड, सॉरी मैं जरा क्विकली इंग्लिश वाला खोल के बताती हूँ। इसका अनुवाद मैं कर दूंगी क्योंकि मुझे वो वाला खोलना नहीं था। कहते हैं कि हाँ, भावे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवणा स्मरणार्हानि करिष्यानिति केचन। तो कहते हैं कि आप जो आए हुए हो यहाँ पे भक्ति को जो है फिर से जागृत करने के लिए आए हो, ताकि लोग स्मरणम करे, आपका श्रवण, आपके आपकी भक्ति के, आपकी लीलाओं का श्रवणम करे, स्मरणम करे, आपकी पूजा करे, ताकि ये जितने भी बद्ध जीव जो है यहाँ पे भौतिक संसार में दुखी है या भोग रहे हैं, तो ये जो है इस आपका, बोलते ना, आपका लाभ लेके वो मुक्ति के पथ पर पहुंच सके। तो इसलिए जो है आपका जो है वो अवतरण होता है। तो ये जो है भगवान का अवतार इसीलिए होता है, भगवान स्वयं इसीलिए आते हैं कि बद्ध जीवों को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ से जो है तीसरे अध्याय पे प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पे कहते हैं कि कृष्णा ही जो है सभी अवतारों के स्तोत्र है, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। तो आइए देखते हैं। तो इस वाले श्लोक में जो है ना, इस वाले अध्याय में जो अड़तीसवां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अड़तीसवां श्लोक आएगा उस श्लोक की ना थोड़ी व्याख्या जरा बड़ी होगी, क्योंकि किसी भी एक पुस्तक का एक परिभाष सूत्र होता है। परिभाष सूत्र मतलब क्या कि उस एक श्लोक पे पूरी किताब जो है वो टिकी हुई है, और उस एक श्लोक पे ही सारे श्लोक सहमति होते हैं। जैसे अगर आप देखो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है, भक्ति रसामृत सिंधु का जो है परिभाषा सूत्र क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करो अनामृतम अनुकूल से कृष्ण अनुकूल से संकल्प नहीं सॉरी क्या अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाष सूत्र। मतलब बाकी जितने भी श्लोक है वो इस पॉइंट पे आएंगे और सहमति होंगे इस श्लोक से, इस श्लोक के माध्यम से, और बाकी सारे श्लोक भी जो है ये उसी चीज को और विस्तार में समझाने की, उस पॉइंट को ज्यादा विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। अब भागवतम का जो है परिभाष्य सूत्र आ रहा है तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, और वो श्लोक अभी सब आप सभियों को पता है। परिभाष्य सूत्र जो है वो है एतेक चांस कलापम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम युगे युगे। यहाँ का व्हाट इज द परिभाष्य सूत्र, वेयर डिड इट गो, मेरी कोई गलती है क्या? एतेचाम से कला पुंसा
एक सेकेंड, सॉरी 28 श्लोक है, मैं 38 श्लोक बोल रही हूँ, आई बेग योर पार्डन, सॉरी 28 श्लोक। एते चाम सकलापम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो ये जो है परिभाष सूत्र है। अब कभी जो है परिभाष सूत्र जो है बिल्कुल शुरुआत में ही आ जाएगा, या परिभाष सूत्र जो है बीच में भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो लिख रहे हैं उस किताब को, तो उनको वो जो परिभाष सूत्र है वो कहाँ पे फिट करना है, ताकि जो है जितने भी श्लोक लिखे, अभी 18,000 श्लोक है हमारे भागवतम में, और एते चामस कला पुमसा ये हमारा क्या है, ये परिभाष्य सूत्र है। और ये जो परिभाष्य सूत्र है इसकी थोड़ी लंबी व्याख्या होगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हमें समझना है। हमारे गौड़िया जो वैष्णव है उन्होंने ये परिभाष्य सूत्र लिखा हुआ है, और शिवजी गोस्वामी ने भी इस पे टीका दी हुई है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस पे टीका दी हुई है, बलदेव विद्याभूषण ने भी इस पे टीका दी हुई है, और श्री सनातन गोस्वामी ने भी इस पे अपनी टीका दी हुई है। इसलिए जो है ये परिभाष सूत्र समझना बहुत जरूरी है। तो जब ये परिभाष सूत्र आएगा तो थोड़ा जो है हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये मैं आपको मतलब थोड़ा पहले ही बता देती, ताकि आप लोग ये ना समझे कि ओ ओ हो एक श्लोक के लिए पूरा मतलब एक पूरी क्लास ही हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो परिभाष्य सूत्र है ये पूरे भागवतम का बोलते ना एक राजा है, ये राजा श्लोक है, जहां पे ये स्थापित करता है कि भगवान की जो भगवत्ता है वो स्थापित करता है। और ये जो जो स्टेटमेंट है एते चामसा कला पुमसा वाला, ये सिर्फ सिर्फ भागवतम ही नहीं मानता है, बाकी सभी वेद, सभी पुराण और सभी आचार्य इस श्लोक से सहमत है। तो जीव गोस्वामी की अपनी टीका है और श्री सनातन गोस्वामी की अलग टीका है, लेकिन मैं मुख्य तो जो है मैं श्री जीव गोस्वामी की ही टीकाओं से बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली भागवत संदर्भ पढ़ा है, तो क्योंकि मेरे पास उन्हीं की टीकाएं है, तो ये जो है टीकाएं मैं उन्हीं से लूंगी। और ये जो परिभाष्य सूत्र है ना, ये परिभाष्य सूत्र जो है ये हर जगह पे कॉम्प्लीमेंट करता है कि मेन विषय वस्तु क्या है। फिर उसके अगर कोई बोलते ना कि पूर्व पक्षी है, इसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट है क्या, इसका कुछ कुछ रूप है क्या, तो हर जगह जो है ये परिभाष्य सूत्र जो है वो आएगा इसमें भागवतम में। लेकिन सारे जितने भी भागवतम में जो है श्लोक है, इस श्लोक के साथ सहमति रखेंगे। ये नहीं कि अपने पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है कि भाई किसी एक ने कहा कि ये परिभाष्य सूत्र है, दूसरा कहेगा नहीं वो परिभाष्य सूत्र है नहीं इसे सहमत, नहीं, सारे 18,000 श्लोक जो है वो इस श्लोक के साथ सहमति देंगे, ठीक है ना। तो फिर आइए हम लोग तीसरे अध्याय में जो कुछ करेंगे, तो तीसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक जो है विस्तार में कारण दक्षय विष्णु के बारे में बताया गया है, गर्भ दक्षय विष्णु के बारे में बताया गया है, भगवान के नाना प्रकार के अवतारों के बारे में भी बताया गया है। और जो कोई भी इन अवतारों के बारे में सुनेगा या पढ़ेगा, उसमें फलश्रुति भी दी गई है कि अगर कोई ये एक से लेके 27वें श्लोक या 28वें श्लोक तक जो कोई भी श्लोक निरंतर सुबह शाम पढ़ेगा तो उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा। अब ठीक है, हम लोग किसी लाभ के माध्यम से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो लेखक है या जो लिख रहे हैं, ये उनके मन से जो है जो पढ़ रहे हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, ये उनके लिए वो आशीष भेज रहे हैं। और ये मत समझे कि अच्छा व्यास देव ने तो 5,000 वर्ष पूर्व लिखी थी, क्या वो आशीष अभी भी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भागवतम जो पढ़ रहे हैं, तो व्यास देव जी जो है भगवान के ही शक्तिवेश अवतार है, नहीं तो इतने सारे श्लोक लिखना बहुत ही नामुमकिन है। तो भगवान के जो शक्तिवेश अवतार है उनमें पूर्णतया शक्ति होती है
कि वो जब किसी को आशीष देते हैं तो वो आशीष जो है वो हमेशा कभी विफल नहीं जाते हैं, वो हमेशा काम आते हैं। तो सिर्फ जो कोई अगर भगवान की ये दिव्य जन्म की और कर्म की अगर कोई सुनता है बिल्कुल भक्ति भावना से, तो उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख दर्द है और कलमश है और जितना भी बोलते हैं ना अमंगल है उस व्यक्ति के जीवन में, वो सब अपने आप ही हट जाएगा। तो कम से कम 28वें श्लोक तक तो हमें जो है एब्सेंट नहीं रहना है, क्लास में आप सुनते जाना है। हालांकि मैं तो यही करूंगी कि पूरी भागवतम हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक्चुअली ग्रुप पे है करीबन 250 से भी ज्यादा लोग है, शायद से 300 से बहुत कम है, 300 से मेरे ख्याल से 280 से ऊपर है। लेकिन अब देखो फोरम में कितने हैं हमारे, 32 लोग हैं, और जो रेगुलर है डेली आते हैं, कभी किसी कारणवश कुछ इमरजेंसी है तो बात अलग है, बाकी इतने तो रहती है। तो मेरी एक नम्र विनंती है, हमारे ग्रुप पे करीबन 280 लोग हैं, अगर ये जितने भी 32 लोग हैं वो 10-10 लोगों को भी फोन करके प्रेरणा दे कि भागवतम पढ़ने के लिए आओ, तो ये एक भागवतम के प्रति हमारी सेवा होगी। तो अगर किसी को ये सेवा करनी है कॉलिंग वाली, कि क्या हफ्ते में एक ही बार आपने कॉलिंग सेवा करनी है, उनको इनवाइट करना है, हफ्ते भर का एक डोज देना है उनको कि भाई आओ पढ़ो इतना अच्छा है आपके लिए, तो फिर जो है अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्लोक संख्या 1। अब जो है सूत गोस्वामी ने जो चौथा प्रश्न जो था पुरुष अवतार के बारे में जो पूछा था उसका तो वर्णन कर लिया, अब लेकिन पुरुष अवतार के बारे में और गहराई से वो बताने वाले हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी संभूतम षोडश कल्मा आदो लोक सिसृष्यया। संगीता तोमर माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्री सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। तात्पर्य भगवत गीता का मत है, उत्पन्न किया गया है। आप किया गया पढ़ रहे हो या स्क्रीन से पढ़ रहे हो? माता जी इसी से पढ़ रही हूँ, किया गया ही लिख रहा है एक्चुअली, सॉरी। आपने कुछ ये उत्पन्न वर्ड नहीं पढ़ा माता जी, कुछ तो उत्पन्न करने के लिए किया गया। ठीक है। भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। यदि आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों शक्तियों यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है, उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, यह तो एक अंश परमात्मा के रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणों दक्षाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक्षाई विष्णु के रोम कूपों से माता जी स्क्रॉल ऊपर कीजिए थोड़ा सा,
जानेंगे। रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सेजल माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवद गीता में उल्लेख किया गया है, भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बुद्ध जीवों या नित्य बुद्ध जीवों के कारण ब्रह्म भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बुद्ध जीवों में वैयक्तिक बुद्ध जीव नहीं है बेटे, ये बद्ध जीव है, सॉरी बद्ध जीव है ना। हाँ, नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव का अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भोग नहीं मिल सकता। भगवान की एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग का दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वही नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत्तत्व में भौतिक प्रागट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बुद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कामेंद्रियों। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वलित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश में किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षायी विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अगला वाला श्लोक है, तो अगला वाला पहला वाला अभी जो श्लोक हम लोग ने पढ़ा ना, ये सारा कारणोदक्ष विष्णु के बारे में बता रहे हैं। अब जो है यही जो है गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ये है वो जो है वो कारण सागर में लेटते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। यस्य अभसिष शयनस्य योग निद्रा विनिवन्तः नाभिहृदय अम्बुजात आसित ब्रह्मा विश्व सृजाम्पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। कोई अनुवाद पढ़िए। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदक्षायी विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं।
वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्म लोक या सत्य लोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। थैंक यू माता जी। प्रीति मोकाशी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए गर्भोदक्षाय विष्णु से। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गर्भोदकशायी विष्णु से शिरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे श्री हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशायी हैं, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदकशायी विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार के कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें अल्पज्ञतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति के में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मुझे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। एक तो हम पढ़ रहे हैं, राइट, और एक है हम मनन भी करते हैं, क्योंकि हम लोग ने 1 घंटा इसलिए रखा है कि मनुष्य की आजकल कलयुग में जो है वो जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी या ध्यान देने की कैपेसिटी सिर्फ 45 मिनट है, इसलिए मैंने ये 1 घंटे का रखा है। अब मुझे याद है कि जब मैं अपने टीन्स में आई थी, जब मैं 18 साल की थी,
तो हमारे महाराज जो है वो 6-6, 8-8 घंटे भी देते थे। तो हम लोग बैठ के, हमारी क्षमता थी उस टाइम पे कि हम लोग ध्यान से सुनते भी थे उन कथाओं को। कई बार तो एक एक श्लोक पे महाराज आई थिंक एक एक हफ्ता बिता देते थे एक ही श्लोक पे। तो क्षमता थी उन दिनों में, यू नो, इन यंग एज आप काफी फोकस्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, आपके पास कोई यू नो टेंशन नहीं होता है इतना, या स्ट्रेस नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होते, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा 1 घंटे का। अब हम लोग ने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से दूसरा अध्याय भी पूर्ण किया है। तो क्या मैं आप लोगों को, मतलब ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये इसलिए ये होगा कि एक रिविजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और ये होगा कि आप फिर से उन चैप्टर्स को रिविजिट भी कर रहे हो। तो हर एक अध्याय में से मैं 2 या 3 ही निकल, हालांकि पहले अध्याय में एक ही प्रश्न है कि आप लिखोगे कि मुनियों ने 6 प्रश्न कौन से पूछे थे, तो एक अपनी एक नोट बना लो और उसमें लिस्ट कर दो कि 6 प्रश्न कौन से थे, और दूसरे अध्याय में से 2-3 प्रश्न ऐसे ही मैं पूछूंगी। तो ये हो जाएगा कि एक मननम भी हो जाएगा, फिर से ध्यान पूर्वक हम लोग जो हमने सुना हुआ है तो फिर से रिविजिट भी होगा। उसके लिए मैं, किसी के पास किताब नहीं है तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, ऑनलाइन पे जाके हम लिंक पे देख सकते हैं। तो क्या आप लोगों की परमिशन से मैं ये कर सकती हूँ, आप लोगों को ये ग्रह पाठ दे सकती हूँ? नहीं, जब तक सबका हाथ ऊपर नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं करूंगी। सब लोग हाथ ऊपर खड़े कीजिए, मतलब चैट बॉक्स में या जहां पे भी है। अगर किसी को लगता है कि होमवर्क बहुत ज्यादा है तो नहीं भी दे सकती हूँ मैं। संगीता तोमर माता जी कहते हैं यस, लता जी कहते हैं यस, प्रीति जी कहते हैं यस, मोहित जी कहते हैं यस, सेजल जी यस, सीमा जी यस, परमित कौर यस, प्रिया तुलसियानी माता जी यस, मनीषा माता जी यस, प्रीति माता जी यस, डॉक्टर रश्मि नोएडा यस, लेखा जी यस, चारू स्मिता गुलिया जी यस बोल रहे हैं, हालांकि माता जी तो एकदम ऑफिस में बैठे बैठे सुनते हैं। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हर, यू नो दिस दैट, ऑफिस में बैठे बैठे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आरती माता जी, अमृत कौर माता जी, अमृत कौर माता जी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अर्चना श्रॉफ माता जी, गृह पाठ नहीं करना है आपको? भागवत स्वरूपा सुगंधी, विभा रानी माता जी आपको नहीं करना है गृह पाठ, प्रश्न न दो आपको। छाया फिर के ईश्वरी कमला माता जी आपको भी नहीं करना है होमवर्क। ललिता कुंड माता जी आपको भी नहीं करना है। अच्छा, अमृत कौर माता जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं करना है, तो यस यस यस। तो चलिए, हम सभी लोगों को हम लोगों ने कह दिया है कि हमें करना है, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने चैट में लिख दिया है, तो मोटा मोटा जो है 95% लोग कह रहे हैं कि होमवर्क चाहिए। अब ये होमवर्क जो है, ये आप होमवर्क जो है वो आप ही करोगे, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? ये मैं इसलिए डिस्कस नहीं करने वाली कि ये आपके मननम के लिए है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, एक एक लाइन के आंसर होंगे उसके, कोई बड़े बड़े नहीं होंगे, और इसकी कोई टेस्ट नहीं लेने वाली हूँ मैं। तो ये आंसर सिर्फ आप खुद ही लिखो, लेकिन मुझे ये है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उस पर मननम करना बहुत जरूरी, ये मैं अपने जीवन में कैसे उतारूंगी, तो इसलिए मैं ये गृह पाठ देना चाहूंगी। और ये जो तीसरा अध्याय है इसमें तो हम लोग जो है, एक सेकेंड मैं आपने जरा किताब खोल लेती, भागवतम, लेकिन मेरे पास एक्चुअली इंग्लिश भागवतम है यहाँ पे। तो जो 6ठा श्लोक है, 27वें श्लोक तक हम लोग है ना सिर्फ रीडिंग करने वाले, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं कि भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में है। तो ये तीसरा अध्याय अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बीच वाले जो श्लोक है हम लोग सिर्फ दौड़ाने वाले है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें मननम नहीं करेंगे। लेकिन जो बाद के श्लोक है 40 से लेके 44 श्लोक, वो थोड़ा उसके लिए एक्सप्लेनेशन चलेगा, 28वें श्लोक के लिए भी एक्सप्लेनेशन चलेगा, और इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, इस होमवर्क के लिए, गृह पाठ के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, आप अपना आराम से करते रहो। हाँ, और किसी को बहुत ऐसे लग रहा है कि ठीक है माता जी टीचर है, हमें उनको स्कैन करके हमारे आंसर्स भेजने हैं, तो आप मोस्ट फ्री हो, आप भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा उत्साह मिलेगा कि अच्छा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब टीचर को भी एक उत्साह होता है कि यस चिल्ड्रन आर स्टडिंग एंड चिल्ड्रन आर सीरियसली स्टडिंग, सीरियसली पढ़ रहे हैं।
ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो मैं भी सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, पूछ सकते हो आप। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ, इस समय जब आपका 3 से 4 का क्लास का टाइम होता है मैं ऑन द वे होती हूँ, तब मैं आपकी क्लास सुनते सुनते आती हूँ। बहुत इंजॉय आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये है ना, सब हमारे गुरुओं की कृपा है कि यहाँ पे बैठ के कुछ बोल पाते हैं, वरना अगर मैं आपको मेरा नेचर बताऊंगी तो मुझे इतना फियर था कि मैं किसी के साथ बात करने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ बात करूं। बट इस्कॉन में आने के बाद शायद भगवान की बहुत कृपा रही है, गुरु की बहुत कृपा रही है कि मेरे पास एक बोलने का जो फियर था वो निकल गया, और आज जहाँ पे मैं 2 मिनट भी नहीं बोल पाती थी, आज कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा बोल पाती हूँ मैं। ये गुरु की कृपा है, ये प्रभुपाद की कृपा है, ये वैष्णव की कृपा है, भगवान की कृपा है सबसे पहले, कि उनके आशीष आए हुए कि हमारी इच्छा थी कुछ करें तो, और आप सब लोगों की भी कृपा है, वैष्णव की भी कृपा होती है। सी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं टीचर हूँ यहाँ पे, मैं एक्चुअली आपको स्टूडेंट्स नहीं देख रही हूँ, मैं आपको फ्यूचर टीचर्स की तरह देख रही हूँ कि ये जो ज्ञान है अगर जब आप सुन रहे हो तो आप आगे बढ़ाने वाले हो किसी ना किसी को। मान लो आज आपने कुछ 2 शब्द सुने हैं और आप किसी को जाके सिर्फ बोल दे तो भी एक्चुअली यू आर लाइक अ टीचर ओनली, आप एक टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो। या किसी को आपको कोई 2 लाइन अच्छी लगी और आपने उसको टाइप करके किसी को भेज दिया कि आज ये अच्छा लगा, तो फिर भी आप टीचर हो गए हो। और ऐसे ही शुरुआत होती है भगवान के प्रचार से, पहले आप 1 मिनट बोलोगे, फिर 2 मिनट बोलोगे, फिर 5, 10, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो श्रवण करेगा वही बोल पाएगा, जो श्रवण नहीं कर पाएगा वो बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका श्रवण स्ट्रांग होगा वो बहुत अच्छा प्रचारक बन सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी श्रवण करने की जो क्रिया है वो दिन ब दिन हमारा स्टैमिना बढ़ता जाए। जैसे पहले मैं 10 मिनट नहीं सुन पाती थी, लेकिन अब सुन पाती हूँ मैं अभी कम से कम दिन में 6 घंटे सुनती हूँ मैं। 6 hours I will only listen. प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनूंगी, मेरे गुरु महाराज का एक लेक्चर सुनूंगी, मेरे वरिष्ठों के 2-2 घंटे लेक्चर सुनूंगी, मैं खुद भी इस भागवतम का मैं भक्ति वेदांत का कोर्स कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे 4 घंटे लगातार बैठ के मेरे टीचर्स को आमने सामने बैठ के सुनना पड़ता है। बीच में हम लोगों को 10 मिनट का ब्रेक देते हैं वो लोग, गायत्री का ब्रेक या वॉशरूम करने का, लेकिन 4 घंटे मैं लगातार सुनती हूँ। तो जब सुनेंगे तो बोल पाएंगे, वरना नहीं सुनेंगे नहीं बोल पाएंगे, इस तरह से है। और मैं चाहती हूँ कि ये भागवतम का प्रचार हर जगह, जिस तरह से मैंने ये एक फोरम खोला है, मैं चाहती हूँ कि हर एक का अपना एक फोरम हो, आप सभी का एक एक फोरम, और आपके भी फोरम पे कम से कम 500-500 1000-1000 लोग आए और आपसे सुने। तो ये सारी एक्चुअली इनडायरेक्टली देखा जाए तो ट्रेनिंग है, इसलिए मैं सबको पढ़वाती हूँ। जब पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट से पढ़ेंगे ये सारा, जैसे ना दिस इज ये जो है ये ट्रिक है कि किस तरह से लोगों को 1 घंटा पढ़ने की आदत डलवाएंगे, आदत डालेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज श्रवणम करेंगे, तो फिर बोल पाएंगे और अपने जीवन में भी उतार पाएंगे हम लोग। अदरवाइज हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो फिर मेक्स नो सेंस। हालांकि हाँ, शुद्धिकरण जरूर होगी, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा जीवन और अच्छी तरह से सवर जाएगा। और ये जो भागवतम है, ये भागवतम अगर भले हम पुरुषावतार के बारे में पढ़ रहे हैं, गर्भ रक्षा विष्णु के बारे में पढ़ रहे हैं, गर्भ दक्षा विष्णु के बारे में पढ़ रहा है, देवी देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं या नाना अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं, हर जगह से ये सिर्फ शहद ही है। ये हर श्लोक जो है, प्रति अक्षरे जो है, वो एक कहते हैं ना नेक्टर है, रसास्वादन करने वाला है। और मैं जो हूँ, मैंने ऑलमोस्ट इस पहले स्कंद को तो कम से कम मैंने 9-10 बार पढ़ा है, और 9-10 बार तो इनफैक्ट मैंने जो है मैंने इसके कोर्स किया हुआ है अलग अलग महाराजों के साथ, मैंने इस पूरे भागवतम का कोर्स किया हुआ है, तो उन महाराजों की भी आशीष है हमारे पास। तो इसलिए जो है शुद्ध भक्तों का सानिध्य करके ही
हमें भागवतम में रुचि आती, वरना पहले मुझे भागवतम में कोई रुचि नहीं थी। मैं बहुत साफ बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं रुचि थी, फिर क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और उन्होंने भागवतम हमारे साथ हमको पढ़वाया है, इसलिए भागवतम में रुचि जागृत हुई है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास इस भागवतम के लिए रुचि है, थोड़ी बहुत रुचि है, मुझे और रुचि, उस रुचि का लेवल जो है वो 100% करवाना है। तो इसलिए मैंने ये भागवतम का कोर्स मेरे आत्मा के कल्याण के लिए ही शुरू किया था कि भाई मुझे भी। और भागवतम हम भक्तों के संग में ही समझ सकते हैं, अकेले कोई पढ़ेगा ना तो वो नहीं समझ पाता है, लेकिन भागवतम भक्तों के संग में पढ़ेंगे तो और रसास्वादन हो जाएगा, नाना प्रकार के अर्थ निकल के आएंगे जो कभी आपने सुनेंगे सुने भी नहीं होगे, बोले अच्छा मैंने पहले शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, ऐसे नाना अर्थ भी निकल के आएंगे। तो थैंक यू अमृत कौर माता जी आपके डेडिकेशन के लिए कि आप ऑफिस से आते आते भी पढ़ते हो, निकलते निकलते भी पढ़ते हो। इनफैक्ट इवन चारुस्मिता गुलिया माता जी भी ऑफिस में बैठ के ही सुन रहे होते हैं। आई सी हर इन द ऑफिस ऑल्सो। तो यस, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, मेरे पास है ना बुक नहीं है और भागवतम मेरे पास नहीं है। मैं आपको ना लिंक भेज दूंगी और आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ से वो भागवतम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं मॉस्को यहाँ मॉस्को में बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाऊंगी और आप उनसे उपलब्ध कर सकते हो माता जी, ठीक है? मुझे ना वो भागवतम के मलयालम बुक चाहिए। हिंदी मुझे इतना पढ़ना तो आता है, फिर भी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं आएगा। इन योर ओन मदर टंग आप रिलिश कर पाओगे। यस अग्री अग्री कि अगर आपकी मदर टंग रहती है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से रिलिश कर पाओगे और उस पर अमल भी करोगे आप। यस आई अग्री विथ यू। तो आप मुझे जस्ट कॉन्टेक्ट करिए, आपको आपके पास मेरा नंबर है? नहीं। एक सेकेंड, पर्सनल नंबर डाल देती हूँ चैट में। ओके। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। माय नेम इज सर्वराज इन चेन्नई। आई एम अ डिवोटी या लास्ट वन ईयर आई चैंटिंग 16 राउंड्स रेगुलरली। थोड़ा हिंदी समझ के आप क्लास अभी सुने। I heard today attend the class. You can talk in English, Guru. Yeah, understand. I understand in Hindi little, but I koshish karenge to so much of learning how to Hindi learning. The Hindi class is very wonderful today. I understand, really appreciate Mataji. So I have English classes also at 8 to 9. Today, every day, na? Yes, every day. I put my number in the chat. You just tell me, I'll add you in the English group also, Prabhu. Can you give your number, Mataji? Yeah, I put it in the chat, Prabhu. 9650594, Prabhu. 96? Okay. Yeah. Okay, Mataji. I got it. And one more, can you give any Bhagavatam books to me? Can you give Tamil Bhagavatam books? Yes, Prabhu. And one more thing, Mataji, can you please give any full-time service? Can I joining for ISKCON? Can you guide me? Yeah, please, you just give me a call or you put me a WhatsApp message, Prabhu. I'll call you. Yeah, sure. Selvaraj, my name is Selvaraj in Chennai. Okay. Yeah, sure, Mataji. Thank you. In Chennai also, I'll connect you to somebody, Prabhu. Yeah, okay. I will connect you to some very super teacher whom I'm also actually have studied under him. So I will connect you to him also, Prabhu. Okay, thank you, Maharaj. Super teacher you will get in Chennai. Thank you. Dhanyavaad. किसी का और? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दुबारानी माता जी। माता जी आप मुझे कुछ कह रहे थे, हम थोड़ा बाहर थे तो हम अच्छे से सुन नहीं पाए जी। मैं कुछ कह रहे थे आप म्यूजिक करने? नहीं ना, मेरा नाम लेके कुछ कह रहे थे तो नहीं माता जी, मैं कुछ नहीं कह रही थी कि आप गृह पाठ करना चाहोगे क्या? सबको गृह पाठ मिलेगा कि हर एक अध्याय में से दो तीन अच्छा निकालेंगे,
तो आप क्या गृह पाठ करने को तैयार हो क्या? तो सब लोग ने हाथ ऊपर किया कि हम लोग सब करेंगे, तो आप भी करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, अच्छा ही है। हाँ घर में ही करना है आपको गृह पाठ यानी होमवर्क। हाँ ठीक है हम भेज। अच्छा अच्छा ठीक है ना। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेज। आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और अभी उतना तो हम सुने बहुत है लेकिन विदाउट इस्कॉन वालों से बहुत भागवतम सुने हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। माता जी, माता जी हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, धन्यवाद जा रहे हैं। जब हम लोग बाहर की भागवत सप्ताह सुनते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ कथा है, फटाफट 7 दिन में दौड़ाते हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। वही वही नहीं है हमारे पास, हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इन भागवत कथाओं से वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है हमारा, राइट? और हमारा मेन उद्देश्य, आप एक दिन बोले थे ना ये बात, तो हमने यस यस क्या बोले थे मातिया, कि वो बाहर वाले रसिक होते हैं, सिर्फ भजन कीर्तन से सबको कलेक्ट, मतलब ये करना चाहते हैं बस, वही वही है। कीर्तन स्वीटनेस वाले भजन ही करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ समझते ऐसा ही है, लेकिन अभी जो है अलग है, बिल्कुल यूनिक। अभी हम उतना समझते नहीं है लेकिन सुनना तो बहुत जरूरी, इसलिए सुनते रहते हैं जी। आसान तो नहीं है समझना जब तक भगवत कृपा जी। हरे कृष्ण, हमारी मेन योग्यता ये है कि हमारे पास श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है, इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारा कहीं में भी दार्शनिक विचलन नहीं होगा, फिलोसॉफिकल डिविएशन नहीं होने वाला है, वी विल नॉट बी फिलोसॉफिकल डिविएटेड। तो हमारे पास प्रभुपाद की स्वयं कृपा है उनके तात्पर्य के माध्यम से, तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। The biggest strength we have is Srila Prabhupada's purpose. तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है माता जी। जी जी वो तो है। किसी और का कोई प्रश्न था? हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। माता जी प्रश्न ये था, जैसे कि हमने एक श्लोक में था 1.3.1 में, कि इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए, तो तत्व क्या है, मतलब 16 तत्व क्या है, मतलब ये? हाँ 16 एलिमेंट्स प्रभु जी। कौन से एलिमेंट्स? कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, मन बुद्धि अहंकार है, ओके, ओके, सारे प्रभु जी। हाँ वो 16 एलिमेंट्स है प्रभु जी। एंड माता जी 14.2.30 का उसमें लिखा था कार्य की शक्तियाँ, ये क्या होता है कार्य की शक्तियाँ, मतलब था उसमें लाइन थी कार्य की शक्ति ऐसे कुछ लिखा था एक लाइन 1.2.30 में, 1.2.30 में कारण शक्ति। हाँ हाँ कारण शक्ति। हाँ वो कहते हैं कि सृष्टि रचना करने की शक्ति कारण शक्ति, मतलब कॉजल ओशन जो है भगवान कारण सागर में लेटे हुए हैं, और भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि की जब रचना करते हैं तो वो अपनी खुद की शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं, और इस सृष्टि की जब रचना करते हैं तो उसके अंदर जो है 3 गुण भी है और भौतिक कारण भी है और मटेरियल कॉज एंड इफेक्ट भी है। तो कारण होगा तो उसका फिर परिणाम भी तो होगा ना, ठीक है? जैसे मेरा कारण कौन है, मेरे पिता, मेरे पिता का कारण कौन है, उनके पिता, तो कारण है तो फिर इसलिए इफेक्ट है, मतलब मेरे पिता के पिता थे इसलिए तो मेरे पिता आ गए, उनका इफेक्ट है, और मेरे पिता का इफेक्ट कौन है, मैं हूँ, राइट? मेरे पिता थे इसलिए मैं आई हूँ, तो इफेक्ट है, और मेरे कारण कौन है, मेरे पिता के कारण कौन है, मेरे पिता। इस तरह ये पूरी श्रृंखला कहाँ तक जाती है, भगवान श्री कृष्ण तक जाती है प्रभु, ठीक है ना। एंड माता जी से भाजंगा शक्ति भगवान की माया है, पतरंगा शक्ति भगवान की क्या है, मतलब से राधा रानी ये भगवान की अतरंगा शक्ति है, तो अतंग शक्ति मतलब कैसे, मतलब इनसे अतंग शक्ति से हम कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा देखिए अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति हमें पता है कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो योग माया है, और बहिरंग शक्ति है वो महामाया है, राइट? अब अंतरंग शक्ति से जुड़ना है तो हमें जो है भौतिक प्रकृति से हम लोग बाहर निकलना पड़ेगा, 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम अंतरंग शक्ति के साथ सानिध्य ले सकते हैं। और अगर आप देखोगे दूसरे अध्याय में भी, आप देखो आप 18, 19 और 20 वाला ये श्लोक पढ़ना प्रभु जी, ये डिटेल में आप अगर फिर से एक बार पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे तमोगुण और सतोगुण से अगर कोई जो है उसको
उसको सिर्फ काम वासनाएं सताती रहेगी, और अगर कोई भक्ति को लेता है तो इसके तमोगुण और रजोगुण और उसका जो काम वासना है वो निकल जाता है। तदा रजस तमो भाव काम लोभाद्रयाश्चेत, तो ये सारे जो है निचले जो है टेस्ट है या निचला जो हमारा स्वभाव है वो निकल के ये जो मन है वो मन कहाँ पे स्थित हो जाएगा, शुद्ध सत्व में हो जाएगा। और जब सत्व गुण तक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे हम शुद्ध सत्व पे भी पहुंचेंगे, राइट। और इस तरह से हमें भगवान में फिर क्या हो जाएगा, आसक्ति हो जाएंगे। आसक्ति मतलब कि हम स्थितम हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे या बिल्कुल फॉर्मली अटैच्ड हो जाएंगे। अब इस पॉइंट से जो है आप अंतरंगा शक्ति के साथ जो है उनका सानिध्य करना शुरू कर देते हो। जब आप इन सभी जंजालों से मुक्त हो जाते हो, काम क्रोध मद मोह लोभ, और जहां पे हमारे हृदय में कोई इंद्रिय भोग की कोई इच्छा नहीं रहती है और जहां पे हमें एक ऊंचा स्वाद मिल जाता है, तो फिर जो है हम अंतरंगा शक्ति के साथ सानिध्य करेंगे। वरना अभी तीन गुणों के अंदर तो हम बहिरंगा शक्ति के साथ ही हम लोग उसका संग कर रहे हैं, और बहिरंगा शक्ति हमें बार बार दूर लेती जाती है, अंतरंगा शक्ति आपको भगवान के और नजदीक लेके जाएगी। ओके ओके माता, थैंक यू माता, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थोड़ा सा गर्भ दक्षाई विष्णु और कारण दक्षाई विष्णु और क्षीर दक्षाई विष्णु, मतलब थोड़ा सा हमको सिंपल में समझाती हूँ, ठीक है ना। जब महाविष्णु से तीन पुरुष अवतार का जन्म होता है, एक है गर्भोदक्षय विष्णु, एक है शिरोदक्षय विष्णु, एक है कर्णोदक्षय विष्णु, ये तीन विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? महाविष्णु से आ रहे हैं। अब गर्भोदक्षय विष्णु का रोल क्या है कि वो जो है प्रत्येक सृष्टि के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और जो है और शिरोदक्षय विष्णु जो है वो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूपी प्रवेश करते हैं। अब गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, सभी जीवात्मा में जान डालते हैं, बाकी सब लोग सो रहे होते हैं या सुप्त अवस्था में है, तो गर्भोदक्षय विष्णु गर्भ में प्रवेश करके उन सभी जीवात्मा में जान डालते हैं, और शिरोदक्षय विष्णु जो है वो परमात्मा रूपी उनके हृदय में बैठ के स्थित हो जाते हैं। तो फिर आप पूछोगे अच्छा ये दो है लेकिन कर्णोदक्षय विष्णु फिर क्या करते हैं? तो कर्णोदक्षय विष्णु जितने भी सृष्टि में जीवात्मा है उन सब के सम टोटल वो क्या है, वो परमात्मा है, लोकलाइज्ड परमात्मा के रूप में है, उन सबके परमात्माओं के भी हेड है, और ये है कर्णोदक्षय विष्णु। और कर्णोदक्षय विष्णु जो है वो अपनी ही शक्ति से वो क्या करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं, और जहां पे सृष्टि की रचना करते वक्त तीन गुण को भी रचना करते हैं, और जो बोलते भौतिक कारण भी है और उसका भौतिक कारण भी है और भौतिक इफेक्ट भी है उसका। तो ये है कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु, ये तीन विष्णु है, ठीक है ना। पहली बार हम लोग सुनते हैं तो अच्छा लगता है, अरे वाह मैंने तो कभी सुना ही नहीं था गर्भोदक्षय, पहले बार ही सुने इसीलिए। तो फिर ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी फिर हमारी आत्मा जब हम इन स्वरूप, माता जी आपकी आवाज है ना गायब हो गई। हेलो, माता जी जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर क्षीरोदक्षाय मतलब गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में है या फिर अपना आत्मा के रूप में विष्णु है, ये कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया माता जी। एक सेकेंड, एक्चुअली कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम था, बताइए। हाँ क्या पूछ रहे थे माता जी आप? ये तीनों जो विष्णु के स्वरूप है तो हम कौन से हमारे आत्मा में अपने अंश में कौन सा स्वरूप के रूप में भगवान प्रकट रहते हैं हर आत्मा में? परमात्मा विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, धन्यवाद। आत्मा के रूप में शिरोदक्षय विष्णु होते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बिबा रानी माता जी। मेरे पास माता जी, मेरे पास भागवतम सेट है माता जी, क्योंकि मेरे जो प्रभु हैं पंकज प्रभु
उन्होंने मतलब दिलवा दिया था पिछली बार, तो है भगवान, भगवान की कृपा से, तो यही बोल रहे थे जी। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। अभी हम उसको रोज पूजा प्रणाम करते हैं, पढ़ा नहीं कभी, क्यों इतना भारी पढ़ने में ऐसा लगता है कि पढ़ना ही पूजा है, पढ़ना ही पूजा है, यथारूप पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है उसको, है ना। हाँ, लेकिन ये खुशी की बात है कि प्रभु जी ने दिलवा दिया और आज आप पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है तो मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। आई विल स्टॉप ओवर हियर ओनली। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद भागवतम की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो, हरे कृष्णा।